यमलोक में आप सभी मनुष्यों का स्वागत है। आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास है। अब से कुछ ही क्षण में यमराज महाराज आपके विषय में निर्णय लेंगे। हमको नरक में नहीं भेजना महाराज। हम अनेक गलती किया, बहुत शर्मिंदा है। अरे पैर छोड़ो मेरा। ना छोड़ो ना, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप माफ नहीं करेगा। क्या चाचा, क्यों फालतू कर रहे था, फैला रहे हो पैर पकड़ के। अरे यम नहीं है हम, एक्टिंग करते हैं उनके नीचे। लेकिन चाचा, आज तुमने मेरा एक्टिंग करियर को सफल बना दिया। बाय गॉड की कसम। सावधान मनुष्य, यमलोक के कर्ता धर्ता धर्मराज महाराज यमराज चित्रगुप्त जी के साथ पधार रहे हैं। आज क्यों हैं आपके चेहरे और मन में ये गम? जीवन और मरण तो सिर्फ शरीर का है कर्म, जो किया वो धर्म था या था अधर्म, ये आप जानते हैं और अब जानते हैं हम, क्योंकि यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है। प्रणाम मनुष्य, मैं यमराज यमलोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये असली यमराज है यार, ये तो तेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। मनुष्य, आपकी आंखों में आंसू। चित्रगुप्त जी, प्रभु इनके बारे में कुछ बताइए हमें। जी प्रभु। प्रभु इनका नाम सौमित्र बैनर्जी है। दादा तुम्हें एकाने ऐशो। तुम्हें बांग्ला जानो की? अरे दादा हमें बांग्ला भी जानो और तुम्हें भी जानो। प्रभु वैसे तो इन्होंने अपना आयु अच्छे ढंग से बिताया है, लेकिन पूरे जीवन में इन्होंने 2358 बार झूठ बोला है। वन की देखभाल का कार्य करते समय इन्होंने 120 वृक्ष काटे अपने फायदे के लिए, जिसका वायुमंडल पर बुरा असर पड़ा। और प्रभु इसीलिए इनकी उम्र 100 साल थी, लेकिन कर्म के अनुसार घटकर अब 78 की रह गई है। एक बार क्षमा करें, दोबारा ऐसा गलती हम कभी नहीं करेगा। ऐसी गलती दोबारा करने का समय आपके पास बचा ही कहां? सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। जो दुष्कर्म आपने किए हैं उसका प्रायश्चित तो आपको करना ही होगा। आपका न्याय ये है कि आपने जितनी बार झूठ बोला, 2358 बार प्रभु। कितनी बार? आपको यहां पर रहने वाली पुण्य आत्माओं की सेवा करके पुण्य कमाना हो, और जो 120 वृक्ष आपने धरती पर काटे थे वो आपको यहां पर लगाने होंगे।
यमराज महाराज की जय। 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 अरे मनुष्य, आप जो पीछे छिप रहे हैं, जरा बाहर आइए। क्षमा कीजिएगा, आपकी पोशाक थोड़ी अजीब है। अपने बारे में कुछ बताइए, कौन है आप? प्रभु, इनका नाम विनम्र पांडे है। ये नाटक कर्मी है और इनकी मौत रंगमंच पर ही लिखी थी। ओ, तो कलाकार हैं आप। वैसे इन कपड़ों में आप बने क्या? प्रभु, ना पूछे तो बेहतर होगा। हाँ महाराज, अब जाने दीजिए। किंतु क्यों चित्रगुप्त जी, बताइए हमें, ये बने क्या है? प्रभु, ये आप बने हैं। प्रभु, यमराज बने हैं ये। क्या ये, क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? ये हम कैसे हो सकते हैं? प्रभु, मैं भी यही सोच रहा हूं कि आप ऐसे कैसे हो सकते हैं। प्रभु, मैं सारी उम्र चंद्रपुरी दिल्ली में यमराज का रोल करने के लिए इस तरह का बनकर घूमता रहा, कभी आज तक जिम नहीं गया, हमेशा गुस्से में रहा, क्योंकि मुझे यमराज जैसा दिखना था। लेकिन प्रभु, आप ऐसे दिखते हैं। मनुष्य, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? समुद्र मंथन के पश्चात सारे असुर पाताल चले गए और सारे देवगण स्वर्गलोक चले गए। आपने जो हुलिया बनाया हुआ है वो असुरों वाला है। महाराज, आप इस मनुष्य की बातों में आइए मत। और मनुष्य, तुम प्रभु से ऐसी बातें मत करो। नहीं चित्रगुप्त जी, हम इस मनुष्य से बात करना चाहते हैं। निडर होकर कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभु, धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। क्रूर, गुस्सैल, जो लोगों को सिर्फ मौत की सजा देते हैं। नहीं पुत्र, हम लोगों को मौत नहीं देते। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान जीवन है पुत्र, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। ब्रह्मा जी ने आप सभी को 100 वर्ष की आयु दी, आप अपने कर्मों से अपनी आयु को छोटा कर देते। जब आपकी आयु समाप्त हो जाती है, हम केवल आपको वहां से यहां तक लेकर आते हैं। जहां तक बात क्रोध और क्रूरता की है, तो हम कभी गुस्सा करते ही नहीं। अगर ऐसी बात है प्रभु, तो नीचे इतना डरते क्यों हैं लोग आपसे? आपको इतना क्यों नहीं पसंद करते जितना और देवताओं को? बाकी के एक्टर जो ब्रह्मा जी का रोल, विष्णु जी का रोल करते थे, उनको दक्षिणाओं में 501 रुपए मिलते थे और मुझे प्रभु 51 रुपए देकर टरका देते थे। मेरा सारा जीवन गरीबी में बीता है प्रभु, क्योंकि मैं यमराज का रोल करता था। नहीं पुत्र, मनुष्य का जीवन और उसकी खुशियां दक्षिणाओं पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुमने जीवन जीने का मतलब समझा ही नहीं। तो आप ही बताइए ना प्रभु, क्या है जिंदगी का मतलब? हम उम्र भर मेहनत करके पैसा जुटाने में लगे रहे कि एक टाइम आएगा जब हम जिंदगी जिएंगे। इसके पहले कि हम जी पाए, आपने यहां बुला लिया हमें। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का, क्या फायदा ऐसी मौत का? ये बात मेरी क्या, धरती पे हर किसी के समझ से बाहर है प्रभु। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का, क्या फायदा ऐसी मौत का? ये बात मेरी क्या, धरती पे हर किसी के समझ से बाहर है प्रभु।
क्या हुआ स्वामी, आप परेशान दिख रहे हैं। मोना, क्या आप जानती है ब्रह्मा जी का मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? जीवन। किंतु कितने दुख की बात है कि मनुष्य इस उपहार को खो देने के भय से कभी इसे ठीक से खोलकर देख ही नहीं पाता। हम कुछ समझे नहीं स्वामी। मनुष्य मृत्यु से डरता है और इसीलिए हमसे नफरत करता है, क्योंकि हम मृत्यु के देवता हैं। शायद इसीलिए हमारी इतनी खराब छवि बना के रखी है मनुष्य ने। किंतु धुमोरना, जिस दिन मनुष्य जिंदगी को जीतने की होड़ में भागने के बजाय जिंदगी की खूबसूरती को देखना, खुश रहना सीख जाए, उस दिन उसका ये भय, मौत का भय खत्म हो जाएगा और तब ना मृत्यु बुरी होगी ना हम। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं स्वामी, पर आप कर भी क्या सकते हैं? मोरना, अब हमारी समझ में आ गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए। नारद मुनि जी, नारद मुनि कहाँ हैं आप? नारद मुनि, नारद मुनि, नारायण नारायण। नारद मुनि, आप हमेशा पीछे से क्यों प्रकट होते हैं? यही तो हमारी विशेषता है। परंतु आप बताइए, आप इतने बौखलाए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या बताऊं नारद मुनि, बड़ी गंभीर समस्या है। मनुष्यों को सुधारने का बीड़ा उठाकर यमराज जी ने ये घोषणा कर दी है कि वे स्वयं धरती लोक पर जाएंगे और मनुष्य को जीना सिखाएंगे। नारायण नारायण। परंतु चित्रगुप्त जी, महाराज ऐसे अचानक नीचे पृथ्वी लोक पे कैसे जा सकते हैं? वही तो। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, कलयुग में कोई भी भगवान नीचे नहीं जाते। मेरे लाख समझाने पर भी यमराज जी यही कह रहे हैं कि वो नीचे जाएंगे और खुशियां बांटेंगे। मुझे डर है कहीं उनकी खुद की खुशियां ना छीन ली जाए। आप कुछ कीजिए नारद मुनि, उन्हें जाने से रोकिए। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, आप स्वयं कितने बोले हैं? जी जी जी, आप महाराज को ठीक से समझा ही नहीं पाएंगे। आपने हमारे पास आके बहुत अच्छा किया। अब देखिए चित्रगुप्त जी, हमारी चतुराई का कमाल। नारायण नारायण। रहने दीजिए नारद जी, हमारा निर्णय अटल है। नारायण नारायण। महाराज, एक बढ़िया सुझाव है। दीजिए दीजिए, बढ़िया सुझाव दीजिए। कुछ भी करके इन्हें नीचे जाने से रोक लीजिए बस। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, जी सुझाव ये है कि आप महाराज के साथ नीचे पृथ्वी लोक जाएंगे। वाह, नारायण नारायण। प्रभु मैं उत्तम, अति उत्तम। वैसे भी हमारा मन अकेले नहीं लगता। चित्रगुप्त जी, जाने की तैयारी कीजिए। प्रभु प्रभु, एक बार फिर से सोच लीजिए प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी आप चिंता मत कीजिए। जी दो पल की तो बात है, हम यहाँ से सीधे चंद्रपुरी जाएंगे जहाँ पर वो मनुष्य रहता था। फिर चंद्रपुरी वासियों के आगे हम अपनी बात रखेंगे और उसके बाद उस बात को आगे ले जाना उनके हाथों में होगा। हम बस इसके बाद लौट आएंगे। संकल्प दृढ़ है। प्रभु प्रभु। चित्रगुप्त जी, चलने की तैयारी कीजिए। हमने सारा रास्ता क्लियर कर दिया है। नेताजी कहाँ तक पहुँचे हैं? ओवर। रही हमारे बस की बात ना है, जो नेताजी की रैली है तो उसको ये कहूँ कि इतवार को हमारी बीबी को शॉपिंग करनी है, रैली ना करो। है मेरी माँ, ज्यादा बात ना कर, फोन रख। ये बेईमान नेताओं की गुलामी करते रहो सड़ी धूप में, और इनके खिलाफ कोई आवाज तक ना उठाता। बबलू, तुम हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनते हो बिटवा।
हमने कितनी बार तुमसे कहा है कि कितने अरे मार दिया अरे बचाओ पुत्र, ये गोल गोल वस्तु आपकी है? हाँ, मेरी है। ये लो। और आप हो कौन? यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा हम। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य हमारे पृथ्वीलोक पर स्वागत के लिए आए हैं क्या? हाँ प्रभु। प्रणाम मनुष्य। बाबलू बेटा, भाई साहब, आप हमारे बच्चे के लिए भगवान बन के आए। भाई साहब, आप हमारे बबलू की जान बचाए। एक बात पूछे कैसे शुक्रिया अदा करें हम आपका? चित्रगुप्त जी, जी हमने किसकी जान बचाई है प्रभु? रे क्यों हो रहा है? हटाओ इन सब लोगों को, हटाओ, बच्चे को ले जाओ। आइए चित्रगुप्त जी, चंद्रपुरी की ओर चलते हैं। चलिए। ए, कौन हो रहे तुम दोनों? ये बीच सड़क में कहां से आटप क्यों? नेताजी पर हमला करने आयो? चित्रगुप्त जी, जी ये कौन मनुष्य है जो ये काला केला सा कुछ दिखा के हमसे इतने क्रोध में बात कर रहा है? प्रभु रुक, एक क्षण मुझे देखने तो दो पुत्र। मुझे ये केला कम और बैंगन ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रभु, शायद हमें ये देना चाहता हो। अच्छा पुत्र, ये जो भी वस्तु है यदि आपको नहीं चाहिए तो लाइए, हम इसे ले लेते हैं। दीजिए। हाथ ना लगा, हमारी पिस्तौल लो वरना गोली मार दूंगा। पिस्तौल? प्रभु ये शब्द मैंने सुना हुआ है। ये पिस्तौल है प्रभु, जिसमें से गोली नामक एक वस्तु जोर से चलाकर मनुष्य दूसरे की जान ले लेता है। क्या जान ये लेता है और नाम हमारा खराब होता है? देखिए प्रभु, क्या खुसर फुसर लगा रखे तुम दोनों ने? पुत्र, इतना क्रोध ठीक नहीं है, दिमाग की नसें फट सकती है पुत्र। के पुत्र पुत्र लगा रखा है, चुपचाप हाथ ऊपर करो। आप हमारे हाथ ऊपर करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं पुत्र? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये आगे चल क्या रहा? वो आदमी कौन? पता नहीं नेताजी, वो विपक्ष का आदमी है जरूर, हमारी जान लेना चाहते है ना? नालायक जीवन प्रीत, इसको तो आज मैं सस्पेंड करके ही रहूंगा। हाँ। दिमाग मत खराब करो महाराज, यो के हथियार है तारा हाथ में? ये हमारी गधा है पुत्र। यो गधा घोड़ा जो भी है नीचे कर इसे, वरना गोली मार दूंगा। नहीं पुत्र, आप बात को समझ नहीं रहे हैं, हमें गोली मारने से कोई लाभ नहीं होगा। यम है हम। प्रभु ये मनुष्य है, इनकी बात मान लीजिए। ये बड़े जिद्दी होते हैं, किसी की बात सुनते नहीं है। देखिए गदा नीचे रखिए और हाथ ऊपर कीजिए, ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, यदि चित्रगुप्त जी कह रहे हैं तो हमने ये गदा नीचे रख दी और हाथ ऊपर कर दिए। चित्रगुप्त जी,
चित्रगुप्त जी। पुत्र, ये जुड़वा कंगन जैसी वस्तु आप हम दोनों को क्यों पहना रहे हैं? रे, यो कंगन से बंधन रहेगा थारा उम्र भर। चल हमारे साथ चल। अरे चित्रगुप्त जी। जी, चलने को कह रहे? चलिए। अवश्य पुत्र, हमें चंद्रपुरी जाना है। ये जरूर थारे को चंद्रपुरी छोड़ूंगा मैं। चल हमारे साथ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये चंद्रपुरी है क्या? हो सकता है प्रभु, लेकिन यहाँ कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा, हम समझाएंगे किसे? हो सकता है चित्रगुप्त जी कि ये चंद्रपुरी का कोई सुनसान इलाका हो। प्रभु, आगे बढ़ के देखते हैं, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। जी। आइए प्रभु, ये सलाखी कैसी? चित्रगुप्त, ये हम कहाँ हैं? प्रभु, लगता है ये कारागार है। कारागार? हाँ। किंतु कारागार में तो अपराधी होते हैं।